हर एक आईआईटी जेई एस्पिरेंट का सपना होता है आईआईटी कॉलेज में पढ़ना। तो आज हम पहुंच चुके हैं आईआईटी पटना कैंपस में। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल करियर फिलोसफी में। और आज हम लोग पहुंच चुके हैं आईआईटी पटना में, जो कि पड़ता है आपको बेटा में। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, ये आईआईटी पटना का मेन एंट्रेंस गेट होता है। आप इंटर करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फीलिंग आने वाला है। हम लोग पहले यहाँ पर गार्ड जी हैं, तो गार्ड जी से हमने परमिशन ले लिया है। काफी मशक्कतें करने के बाद हम लोगों को परमिशन मिल चुका है आईआईटी पटना में एंटर करने का और यहाँ पर शूट करने का। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो भी विजिटर्स आते हैं उनको यहाँ पर साइन करना होता है। और इधर में विजिटर डेस्क है, चलते हैं हम लोग अंदर और जानते हैं आईआईटी पटना के बारे में। आई होप ये वीडियो सभी को काफी हेल्पफुल लगेगा। आप लोग बने रहिएगा हमारे स्टूडियो में, देखिए हमारा पूरा वीडियो। इस रास्ते हम लोग सीधे चलेंगे और क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा ऐसे हेजिटेशन है अंदर में कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पर क्या क्या चीज़ें होंगी वो मुझे पता नहीं और ना ही कोई हमारा गाइड है कि बता पाए। होप सो कि कुछ स्टूडेंट जो यहाँ पर अभी स्टिल पढ़ाई कर रहे हैं उनसे हम लोग जानेंगे क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हैं। बाकी आप अपोजिट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा, ये सामने में आपको एडमिन बिल्ड, लेफ्ट साइड में आपको एकेडमिक एरिया है और राइट साइड में आपको हॉस्टल क्वार्टर्स है। और सामने में आप देखेंगे तो ये इंडियन एयर फोर्स के तरफ से एयरक्राफ्ट गिफ्ट किया हुआ है आईआईटी पटना को। और तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, लेफ्ट साइड में एकेडमिक एरिया है और राइट साइड में हॉस्टल्स हैं। तो चलते हैं हम लोग अभी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के तरफ, ट्यूटोरियल ब्लॉक के ब्लॉक 4 ब्लॉक 6 के तरफ। और कैसा लग रहा है धीरज आपको? काफी अच्छा लग रहा है भाई। और मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी हम आए हुए हैं और हम लोग अभी यहाँ पे, मैं आपको बता दूं कि जो आईआईटी पटना है ये 501 एकड़ में बना हुआ है, मींस कि ये काफी ह्यूज है, काफी बड़ा है। और इसमें आप चाहोगे कि आप पे आकर के पूरा घूम लो या देख लो, बट ये पॉसिबल नहीं है। आपको एक बंदा ऐसा चाहिए जो आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे सके, बट हमें कुछ, हमने इसके बारे में जाना, कुछ सर्च किया और तब हम यहाँ पे आए हुए हैं। बट हम लोग को फाइनली पूरा तरह से, मतलब अच्छी तरह से नहीं पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, बट हम ये कोशिश करेंगे कि आप लोग को दिखाने के कि यहाँ पे कैसा चल रहा है, क्या कुछ यहाँ पे खास है, क्या कुछ अच्छा है। जो कि अभी तक हम लोग ने आए यहाँ पे तो देखा कि काफ़ी अच्छी वाइब मिली हमें, जो कि आप देख सकते हैं कि वाइब्स रोड है काफ़ी क्लीन है और वाइब्स जो कि ग्रीनरी बहुत सारे बहुत ज़्यादा हैं। तो बैक साइड में आप देख सकते हैं ये सारा एकेडमिक एरिया है। और ऐसा फील आता है ना कि आप कहीं जैसे जू में जाते हो तो एक अच्छा वाइब आता है, हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो वैसा तरह के यहाँ पे वाइब हमें मिल रही है अभी तक की। तो बच्चे हम लोग तो पढ़ाई नहीं कर पाए, बट फ्यूचर एक्सपीरियंस को क्या बताओगे? लाइक आईआईटी कॉलेज में आपका भी फर्स्ट एंट्रेंस है ये और मेरा भी फर्स्ट पहली बार हम लोग मतलब कि विजिट किए हैं, तो कैसा फील हो रहा है भाई? मैं बताऊँ कि मुझे, क्योंकि मेरे आंखों से आंसू निकल जाते थे कि मैं ये सोच के कि मैंने पढ़ाई अच्छे से नहीं किया। मैं जब इधर से क्रॉस करता था मुझे लगता था कि एक बार मैं भी शायद आईआईटी पटना घूम लेता, अंदर से कैंपस कैसा है कम से कम देखने को ही मिलता। बट आज वो दिन है ना जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, और मैं चाहूँगा कि वो एस्पिरेंट जो कि तैयारी करते हैं उनका भी ये सपना हो कि उनको एक आईआईटी कॉलेज अच्छा सा बेहतर सा मिले। और ये भी जो कि सेकेंड जनरेशन, मैं आपको बता दूँ सेकेंड जनरेशन ये आईआईटी पटना जो कि बना हुआ है और काफ़ी अच्छा है। तो आप भी ऐसा मेहनत करें, जो हम नहीं पा पाए, हम लोग को नहीं मिल पाया वो आपको ज़रूर मिले। लेकिन हम ये सिर्फ कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं कि यहाँ पे कैसा वाइब है, किस तरह के यहाँ पे जो कि माहौल है, इन्वायरमेंट जो बोला जाता है, यहाँ के बच्चे कैसे हैं, उनसे मिलेंगे, अभी तक तो मिले नहीं है, बट मिलके बताते हैं कि उनके साथ कैसा लग रहा हमें। और आपको भी फुल इन्फॉर्मेशन, बहुत कुछ देखने और बहुत सारे मोटिवेशन तो पक्का मिलने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, आपको वो सब कुछ हम लोग दिखाने वाले हैं आईआईटी पटना के बारे में। आप लोग के मन में जो भी डाउट होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि और भी हम लोग इसी तरीके का वीडियोस को क्रिएट कर पाए आप सभी के लिए और आपको बता पाए कि आईआईटी में पढ़ना और आईआईटी के पहले जो आप लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हो वो दोनों स्टेज में क्या कुछ डिफरेंस होता है, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। आईआईटी में रह के भी घर, मतलब कभी कुछ इमरजेंसी हुई घर बगल में, मेरे को वो
वो एडवांटेज है। वो तो आपको काफी अच्छा लगा क्योंकि आपको घर के पास में मिल गया। आपको कुछ ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ नहीं किया? जलन होती है मेरे से सबको, स्टिल काफी अच्छा एनवायरनमेंट। सामने में आपको लाइब्रेरी दिख रही होगी, उसी के जस्ट बगल में आपको ये कैंटीन एरिया होता है आईआईटी पटना का। इसमें आपको कैनरा बैंक एटीएम भी है और आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कैंटीन का भी है सुविधा उपलब्ध है और स्नैक्स पॉइंट भी है जहाँ पर स्टूडेंट्स ग्रुप में बैठकर स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप में स्टूडेंट्स एंजॉय कर रहे हैं।